हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन मिल जाएगा। आज की जो वीडियो टिप्स है वो है फ्लोटिंग के ऊपर, और है कि जो एज छोटी एज के या 10 साल के हैं या उससे छोटे या उससे बड़े हैं, उनके लिए मुझे काफ़ी कमेंट आ रहा था। एक जने डिस्कशन कर रहे थे कि मेरा 10 साल का बेटा है तो उसको स्विमिंग के लिए टिप्स बता दो। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो स्विमिंग के लिए टिप्स रहती है वो बड़े और छोटे के लिए सेम रहती है, स्विमिंग टिप्स चेंज नहीं होती, क्योंकि ब्रीथिंग छोटे को भी सेम करनी पड़ेगी, बड़े को भी सेम करनी पड़ेगी। सिखाने का थोड़ा चेंज हो जाएगा मैटर कि आप छोटे को कैसे हैंडल कर सकते हो। अगर छोटा थोड़ा स्कूल में जाता है, थोड़ा पता समझता है कि हाँ भी ये चीज़ सिखाई है तो ये चीज़ कैसे करनी है, वैसे ही आप बड़े का और छोटे का ज़्यादा अंतर नहीं होता, सेम रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताते हैं फ्लोटिंग के बारे में। फ्लोटिंग में क्या कहते हैं कि क्या होता है कि जब मेरे पैर ऊपर आते हैं तो बॉडी नीचे चली जाती है, या बॉडी नीचे आती है तो पैर ऊपर आ जाते हैं, या हाथ चलाता हूँ पैर नहीं चलते। ये सारी डिस्कशन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जब आप फ्लोटिंग करते हो तो क्या करना है। अगर आपसे फ्लोटिंग नहीं हो रही तो करना क्या है, टिप्स क्या है, आपने सांस भर लेना, रोक लेना, फेफड़ों में सांस आ जाएगी, जिसके कारण जब आप इस पैप को अगर, मुझे नहीं पता आपके पूल में पैप है या नहीं है, आप दीवार के साथ पकड़ के भी फ्लोटिंग कर सकते हो, पर अगर पाइप है, जैसे ये पाइप लगे होते हैं, ये हेल्पर के लिए पाइप होते हैं, तो क्या करना है, आपने ये पाइप पकड़ लेना है। ठीक है, पानी आपके यहाँ तक होगा, इजीली आप डूबोगे नहीं, ये कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि इतनी कमर में कोई नहीं डूबता पानी में। ठीक है, आप यहाँ से इसको जैसे आपने पकड़ा हुआ है ना, तो आपने क्या करना है, पूरी बॉडी पानी में रखनी है, सिर्फ फेस बाहर होना चाहिए। ये नहीं कि आप बॉडी बाहर हो और आपका फेस अंदर हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपने पकड़ लेना है, सपोज करो जैसे ये पाइप पानी में है, तो आपने बॉडी को क्या करना है, सिर्फ फेस बाहर निकालना है, हवा बनी, फिर लॉक करके मुंह नीचे करके ये वाली पोजीशन है ना, हल्का सा पैर ऊपर लेके जाना, दोनों पैर ऊपर आ जाएंगे, जैसे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। अब ये पैर सीधे करके पूरी बॉडी पानी में है, सिर्फ फ्लोट में है, सिर्फ एक पैर लगा हुआ जो आपको हेल्प दे रहा है। तो आपने इसको ऐसे पोज करना है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद क्या करना है, इसको आपने इसके अंदर सांस रोक के रखना है, चेस्ट के अंदर सांस रोक के रखना है, इसको लॉक कर लेना है, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो ऊपर वाला पार्ट है ये अपने आप फ्लोट करेगा। जब आपके अंदर फेफड़ों के अंदर हवा भर जाएगी तो ये फ्लोट करेगा, इसको रोक के रखना है। जैसे ही पैर ऊपर आएंगे तो पैरों को चलाना शुरू कर देना है। ठीक है, पैरों को तेज से चलाना है, तेज स्पीड में चलाना है। तो आप अगर सोचोगे सीधी पहले फ्लोटिंग करके देखो तो वो उसमें आप एक सेकंड होल्ड करोगे, पर अगर आप किकिंग करने लग जाएगी तो आपकी बॉडी ऊपर होल्ड करने लग जाएगी। ठीक है, ये आसान टिप्स है। ठीक है, अदरवाइज फ्लोटिंग करनी है वो धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ हम फ्लोट कर रहे हैं। अदरवाइज उससे बेस्ट टिप्स है, अगर आपको ब्रीथिंग अच्छे से आती है, आप पानी में अच्छे से स्टैंड हो पाते हैं। जैसे कमेंट आते हैं कि मुझे पानी में खड़े नहीं होना आता, तो पानी में खड़े होने के लिए सबसे आसान टिप्स है कि जब भी आपकी हाइट है, जो भी आपकी हाइट है, उसमें इतना पानी आना चाहिए। अगर मैं इस पानी में खड़ा होऊंगा तो मुझे मुश्किल होगा अगर मुझे नहीं आती स्विमिंग, बल्कि जितना कि ये लगा सकते हो कि ये मेरे कमर तक आ रहा है, तो इतना पानी पूल में होता है तो मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा इसमें अगर मुझे खड़ा नहीं होना आता। तो मिनिमम अगर यहाँ पानी होगा तो मुझे स्टैंड होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम आएगी जब पानी कम होगा। ठीक है, तो पानी कम में आपने कोशिश करनी है कि नहीं जाना, आपके चेस्ट तक पानी होना चाहिए और दीवार के साथ रहना है। ये ना हो कि आप चेस्ट के पानी हो आप नीचे इधर उधर चले जाओ। अगर आपके चेस्ट में पानी है, अगर दो उंगले दो फिंगर्स भी आप दीवार के साथ लगा दोगे तो आप अपने आप होल्ड हो जाओगे, खड़े हो जाओगे। ठीक है, अगर आप इसमें रहते हो तो इसमें क्या होता है कि हाँ, जो इंसान होता है जो नर्वस हो जाता है तो वो खड़े होने की कोशिश करता है, तो जो बॉडी नीचे होती है हाफ पार्ट होता है वो खड़ा नहीं होता पानी में। ठीक है ना, तो अगर आपके फिर भी इतना पानी है तो आप नीज नीचे लगा के बैठ सकते हो। कैसे, ये देखो, अब सपोज करो आप पानी में खड़े नहीं हो पा रहे हो, आपको खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, जब आप 4-5 दिन रहोगे तो अपने आप आ जाएगा। आपको नींद लगा के बैठना है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ तक पानी आ गया चेस्ट तक, यहाँ पे आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इजीली आप यहाँ पे ऐसे बैठ के ऐसे मुंह अंदर दबा के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के फिर उसके बाद सिंपल है ना, एक पैर को ऐसे उठाओ, ठीक है, फिर दूसरे पैर को उठाओ, फिर वापस नीचे बैठ जाओ। इसमें क्या होगा, जब आपका पानी में, स्विमिंग पूल के पानी में जब आपका कॉन्फिडेंस अप हो गया तो आपके डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, आपको धीरे 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 पानी में स्टैंड होना आ जाएगा। वैसे अदरवाइज हम स्विमिंग करते करते स्टैंड होना होता ना, तो हम दोनों हाथ नीचे मारते तो हमारे पैर दोनों ऐसे नीचे आते हैं, मतलब कि जैसे कि सपोज करो आप स्विमिंग कर रहे हो, फ्लोटिंग कर रहे हो, ठीक है, ये पैर पीछे है तो आप दोनों को एक साथ ऐसे लेके जाओगे तो ऐसे खड़े होगे, मतलब ये ऐसे ऐसे जोर से मारोगे तो आप खड़े हो जाओगे, क्योंकि जो पानी, जो हैंड है वो पानी को प्रेशर मारेंगे, हमारी बॉडी ऊपर आएगी तो जो पैर है वो नीचे जाएंगे। ठीक है, तो हम सीधे खड़े हो जाएंगे, बल्कि दोनों का तालमेल बैठ के आप आसानी से पानी में खड़े हो पाओगे। फ्लोटिंग करने की मैंने टिप्स बता दी है कि आपने सांस को रोक लेना है, ठीक है,
फिर आपने अंदर फ्लोटिंग करनी है। फ्लोटिंग करनी है जब, तो सांस रोकने के लिए आपको सिर्फ फेस बाहर निकालना, पूरी बॉडी बाहर नहीं, ऐसे नहीं ऐसे खड़े होकर फिर आप पानी में जा रहे हो फिर आप पोजीशन ले, ना 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 ना, पहले पूरी पोजीशन ले लेनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने यहाँ से पूरी पोजीशन ले ली, ठीक है, ये पानी में कुछ ही पोजीशन ले ली, फेस अप किया और ये सिर्फ फेस बाहर है पानी के, ठीक है, यहाँ से आप लिया फिर इसको पुश मारा फिर उसको होल्ड किया, ठीक है ना। ज़्यादा देर तक आपके लेग्स ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि अगर मैं ट्राई करूँ, मुझे फ्लोटिंग आती है, मेरी भी लेग्स ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी जब तक मैं मूव नहीं करता आगे को, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेग्स में हमारे बोन्स होती हैं और जो मास है वो कम होता है, जो ज़्यादा फैटी है वो आसानी से फ्लोट कर पाएंगे। कोई भी, चाहे वो मैकल फ्लिप पे या कोई भी है, अगर वो पानी के ऊपर फ्लोट करना चाहेगा तो उल्टा फ्लोट बहुत कम कर पाएगा, अपर पार्ट ज़्यादा देर करता है, लोअर पार्ट बहुत कम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। कईयों का लोअर ज़्यादा करता है, कईयों कम करता है, पर लोअर पार्ट सबसे कम करता है, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ी देर एक दो सेकंड रहते हैं फिर धीरे धीरे नीचे जाने लग जाते हैं। इसीलिए जब हम ऊपर आते हैं तो हमें किकिंग करनी पड़ती है, किकिंग हमारा बैलेंस बनाती है और हल्के हल्के हम आगे जाने लग जाते हैं। किकिंग के लिए स्पीड, जब आप किकिंग की स्पीड तेज कर दोगे तो आप बहुत तेज आगे जाओ। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा कि हमने जब फ्लोटिंग करनी है तो हमें क्या करना है। सेम बच्चों पे अप्लाई होगा, चाहे वो 10 साल का है, चाहे 8 साल का है, चाहे 7 साल का है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, ठीक है, सेम चीज़ रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ब्रीथिंग के ऊपर, ब्रीथिंग जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई मैं तो बस पानी से मेरी पूरी फटती है, मैं पानी को देख के बस ऐसे ऐसे हो जाता है कि भाई बस मुझे पानी से दूर लेके जाओ, इसको कहते हैं हैबोफोबिया कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो कोई बीमारी का नाम होता है, तो उसकी वजह से पानी से डर लगता है, तो उसके ऊपर टिप्स बनाएंगे। तो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। बाकी ये वीडियो उनके लिए है जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई नहर में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। भाई ने एक ने वीडियो बना के भेजी थी मुझे व्हाट्सअप पे, ग्रुप पे पर्सनल भेजी थी, तो वो वीडियो काफ़ी बड़ी ने अच्छा सीख लिया। पर तैरते समय वो थोड़ा सा ध्यान रखना, जब ये स्विमिंग ऐसे करके आप ऐसे बड़े शांत से हाथ लेके आ रहे, हाथ को ऐसे नहीं रखना, उसका हाथ ऐसे आ रहा था कि हाथ हल्का सा पहले जाना चाहिए, हल्का सा पहले, क्योंकि ऐसे हाथ किया और ये आया, ये पानी में गया आराम से, ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट पहले जाएगी, ये पानी में सीधा, ठीक है, पानी में ये चीज़ आएगी, जैसे एग्जाम्पल ये पानी, तो पानी में ऐसे हाथ जाएगा, ये ऐसे हाथ नहीं जाएगा, वो ऐसे हाथ जा रहा था, तो बस थोड़ा, बाकी और कोई इशू नहीं था। वेल डन, सारे लगे रहो, सीख लो, एकदम मजे में ऐश करो। बाकी पूल का वेदर कुछ ऐसा है, आज मौसम था, आज मैंने ब्लॉग भी शूट किया है और स्विमिंग की वीडियो भी शूट की है, तो ये पूल अभी काफ़ी, अगर पानी होता तो कितना अच्छा आता, और पानी होता था ना, मैं आपको छोटी छोटी हर एक छोटी छोटी टिप्स हर एक कमेंट का रिप्लाई करके टिप्स जो देता मैं आपको, बहुत बेनिफिट रहता। इस बार मैंने कुछ अलग कंसेप्ट सोचा था, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ, जो बिगनर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, वो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, 15-17 मिनट की हो जाती है, और मैं उसमें सारे में टिप्स दे देता हूँ। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं इसमें 3 मिनट ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक स्टेप बताऊंगा, जैसे ब्रीथिंग में फर्स्ट स्टेप क्या करना है, डर कैसे दूर करना है फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप ब्रीथिंग का, फिर थर्ड स्टेप ब्रीथिंग का, फिर इससे क्या होता है, इससे आप एक एक स्टेप अच्छे से कवर कर पाते हैं, इससे आपको भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अभी मैंने जो फ्लोटिंग के लिए बताया है, तो आई होप कि आपको फ्लोटिंग में जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, वैसे मैंने सभी पार्टों के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, पानी के साथ वीडियो बनाई हुई है, कई कमेंट कर देते हैं भाई आपके पूल का पानी कहाँ है, पानी कब आएगा, ये वगैरह वगैरह, तो कोरोना की वजह से पानी नहीं आ रहा, उसका कुछ कर नहीं सकते। बाकी अभी संडे या संडे टू संडे मैं लाइव भी आता हूँ, तो बस यही है कि अभी जो टिप्स मैं पानी के बाहर दे सकता हूँ, जैसे फ्लोटिंग की मैंने दे दी, अभी मैं पानी में होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो अगर कईयों के पास ये पाइप नहीं है, या कई नहर में प्रैक्टिस करते हैं, या फिर कहीं पे भी प्रैक्टिस करते हैं, बल्कि मेन पानी में, ठीक है, वहाँ कोई ना कोई किनारा आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बिना किनारे के आपको कुछ मिले, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप कहीं पे भी होल्ड कर सकते हैं, अगर बाई चांस किनारा नहीं है तो आप वहाँ किनारा पैदा कर सकते हो, जैसे एक जगह आपने कोई कपड़ा बांध लिया, एक से दूसरे से पिलर काट के थोड़ा सा हल्का सा, या फिर ईंट रख के हल्का सा, क्योंकि स्पोर्ट के लिए सिर्फ हल्की सी हमें स्पोर्ट चाहिए होती, ज़्यादा नहीं चाहिए, खींचने के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती स्पोर्ट, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको फ्लोटिंग का समझ में आ गया हो, और आपको ब्रीथिंग का जो होल्ड करना है वो भी समझ में आ गया हो। जब आप फ्लोट करने लगे, ब्रीथिंग करने लगे ना, तो आपने ब्रीथिंग अंदर ही छोड़ के फिर बाहर आना, फिर सांस लेना, ठीक है। जब ये चीज़ करने लगा आपको फ्लोटिंग में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।
आज का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। कोशिश की है मैंने कि फ्लोटिंग के ऊपर एक वीडियो बना दूं, पानी तो नहीं है, खैर पानी के बिना, पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूज़िक नॉन्स होगा या फिर कम होगा, क्योंकि ये मोबाइल का ही है जो भी है, अभी डाटा यूज़ हो रहा है, तो अभी मेरा लाइव भी आ रहा, लाइव होने का टाइम भी काफ़ी हो गया, वैसे खड़ी है आप, लाइव होने का टाइम आ गया तो अभी हम लाइव आएंगे। तो संडे को ये शूट कर रहा हूँ, आज बारिश हुई थी उसका ब्लॉग भी बनाया, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, तो बस मुझे सपोर्ट करते रहना ऐसे ही, और आपके लिए कंटेंट आता ही रहेगा। बाकी ब्लॉगिंग तो हम कर ही रहे हैं, 50-50 जैसी है कर रहे हैं।